अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियोस में हमने मैटलैब की बेसिक्स को देखा था, हमने अच्छी तरह समझा था। अब हम डिटेल्स में आएंगे और सबसे पहले जो चीज़ हम डिटेल में देखेंगे वो है मैट्रिसेस। मैंने पहले बताया था कि जो मैटलैब है ये एक मैट्रिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें जो बेसिक डेटा एलिमेंट है वो मैट्रिक्स है, और जितने भी मैट्रिसेस के ऑपरेशन होते हैं, जितने मैट्रिसेस के फंक्शन होते हैं, वो सब मैटलैब में बिल्ट इन है, पहले से मौजूद है। इसलिए सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे डिटेल में वो होंगी मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिक्स क्या है? ये एक 2D टू डायमेंशनल अरे है। अरे क्या होती है? अरे एक नंबर ऑफ सेट्स ऑफ नंबर्स है, यानी कि नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, किसी भी तरह के नंबर्स जो हैं वो इस सेट का हिस्सा हो सकते हैं और उस सेट को अरे कहते हैं। भी अरे वन डायमेंशनल भी हो सकती है, 1D अरे जिसे हम वेक्टर कहते हैं, और ये 2D अरे भी हो सकती है, ये टू डायमेंशनल अरे जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। टू डायमेंशनल इसलिए क्योंकि इसमें रोज और कॉलम मौजूद होते हैं। इसके अलावा हायर ऑर्डर अरेज भी होती हैं, 3D अरेज होती हैं, लेकिन ये कि वो अनकॉमन है, बहुत ही कम यूज होती हैं, रेयरली यूज होती हैं, इस वजह से हम डिस्कस नहीं करेंगे। और हमारा मेन कंसर्न जो है वो 2D अरेज यानी कि मैट्रिसेस और 1D अरेज यानी वेक्टर्स के साथ है। वेक्टर्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स में आप नंबर ऑफ रोज 1 कर दो या नंबर ऑफ कॉलम्स 1 कर दो तो वो वेक्टर बन जाता है। मतलब अगर मैं नंबर ऑफ रोज को 1 कह देती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें रोज 1 है, कॉलम जितने भी हो तो वो एक रो वेक्टर है। अगर मैं कहती हूँ कि कॉलम 1 है, मैं स्पेसिफाई करती हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 1 है, तो वो एक कॉलम वेक्टर है। यानी कि आप मैट्रिक्स को, वेक्टर्स को मैट्रिसेस में ही चेंज करके, उसके डायमेंशन में चेंज करके शो कर सकते हो। आज सबसे पहले हम मैट्रिसेस की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है हमने। हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, कुछ उसमें जो ऑपरेटर्स वगैरह हैं वो देखेंगे, हम मैट्रिक्स इंडेक्सिंग देखेंगे, और हम मैट्रिसेस पे जितने फंक्शंस होते हैं मैटलैब में वो कैसे इंप्लीमेंट होते हैं वो देखेंगे, और मैटलैब के जो भी फीचर्स हैं मैटलैब मैट्रिसेस के लिहाज से वो डिस्कस करेंगे। हम मैटलैब में मैट्रिसेस की रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले आते हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने से पहले हम रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, और फिर उसमें एडिशन करते हुए हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पर आएंगे। अगर मुझे एक रो वेक्टर डिफाइन करना तो मैं कैसे करूंगी? मैं लिखती हूँ a इक्वल्स 1, 2 एंड 3। मैंने ये एक रो वेक्टर बन गया है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3। आप देखिए मैंने इसे कैसे डिफाइन किया, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज किया है और जो एलिमेंट्स हैं उनको मैंने अलग अलग किया हुआ स्पेस से। इसके अलावा अगर मैं स्पेस से ना करूँ, मैं कॉमा से भी करूँ तो वो भी वैलिड है रो वेक्टर के केस में। यानी कि आप एक रो वेक्टर को एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस से या कॉमा किसी तरह भी डिफाइन कर सकते हो, वो सेम चीज है। 1, 2, 3, 1, 2, 3 सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं आया इसमें। ये तो थे नेचुरल नंबर्स। इसके अलावा मैं नेगेटिव नंबर्स या फिर इंटीजर्स वगैरह या फ्रैक्शंस में या किसी भी फॉर्म में मैं उन्हें रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करना चाहूँ रो इक्वल्स 1.23 कॉमा माइनस पाई, पाई पहले से डिफाइन था 3.1416 और 3/2। अब देखें इसमें 1.23 आ गया माइनस, यानी कि एक नेगेटिव नंबर आ गया। 3.1416 की वैल्यू होती है, 3/2 उसने किया मतलब सारा सॉल्व किया और 1.5 इसका आंसर आ गया। मतलब चूंकि जब तक हमने फॉर्मेट लॉन्ग या कुछ स्पेसिफाई ना किया हो फॉर्मेट, तो वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको आंसर देता है, जिसने 1.5000 करके हमें आंसर दे दिया। ये तो था रो वेक्टर। अगर मैं कॉलम वेक्टर डिफाइन करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी? कॉलम वेक्टर में कोई डिफरेंट नहीं होता इससे, सिवाय एक चीज के, जो मेन चीज है वो है यहाँ पे मैंने रो वेक्टर में एलिमेंट्स को सेपरेट किया था स्पेस से और कॉमा से। कॉलम में उनको अलग अलग करती हूँ, सेपरेट करती हूँ सेमी कॉलम से। मैं यहाँ लिखती हूँ कॉल ए इज इक्वल टू कोला मंदिर के कॉल ए इज इक्वल टू 1 सेमी कॉलन 2 सेमी कॉलन 3। तो ये जो कॉल ए है मेरा इसके इक्वल है, एक कॉलम वेक्टर बन गया ये जिसमें 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और वो 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 1, 2 एंड 3। इसके अलावा अभी हमने देखा कि रियल नंबर्स को मैं डिफाइन कर सकती हूँ, इनमें इनपुट दे सकती हूँ रियल नंबर्स की। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी आज इनपुट ले सकती हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब हम यूज करते हैं अपने काम में तो हम इमेजिनरी पार्ट के साथ आई या जे यूज करते हैं। मैटलैब के साथ भी यही है, आप आई या जे में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ लिखूँ कॉल कॉम्प्लेक्स और मैं यहाँ पे डिफाइन कैसे कर रही हूँ, मैं पहले सिर्फ एक रियल नंबर लिख रही हूँ, कॉलन में लिखती हूँ 2+3j और सेमी कॉलन, क्योंकि कॉलन में तो सेमी कॉलन
4j। अब देखेंगे ये एक रियल नंबर है, ये रियल प्लस इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। अब इसने इन्हें शो कैसे किया, चूंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर था या एक इमेजिनरी नंबर था, इस वजह से सबको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में शो किया है। 1 प्लस 0 आए क्योंकि इसमें जो इमेजिनरी पार्ट था वो 0 था, 2 प्लस 3 आए इसमें इमेजिनरी पार्ट भी था रियल पार्ट भी था, और 0 प्लस 4 आए इसमें रियल पार्ट को उसने 0 कर दिया, लेकिन इसे फॉर्म उसने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में ही किया है। अब ये थी कॉलम वेक्टर की और रो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा मैं अगर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना चाहूँ फाइनली, तो मैट्रिक्स मैं कैसे करूँगी, मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3, ये फर्स्ट रो हो गई, सेमी कॉलन के बाद मैंने लिखनी है दूसरी रो 4 5 6 सेमी कॉलन 7 8 9। अब आप देखें, और आपने स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करना। आप देखें मैंने एक 3 बाय 3 की मैट्रिक्स बनाई, इसमें 3 रोज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 कॉलम हैं 1 4 7 2 8 2 6 2 5 8 और 3 6 9। रन करूँ तो देखेंगे 3 बाय 3 की एक मैट्रिक्स बन गई। आप डिफरेंट डायमेंशन के साथ बना सकते हो। मैं कहती हूँ मैट 2 इक्वल्स 1 कॉलन 1 3 कॉलन 4 5 कॉलन 6 7, तो ये मेरी 3 बाय 2 की एक मैट्रिक्स बन गई है। अब इसके साथ अगर हम मैट्रिक्स की डायमेंशन फाइंड करना चाहें तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए जो कमांड है वो है साइज की कमांड। अगर मैं करूँ साइज ऑफ मैट, तो ये आ गया 3 बाय 3, यानी कि 3 नंबर ऑफ रोज हैं और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। जो फर्स्ट डिजिट है वो नंबर ऑफ रोज को शो करता है, जो सेकंड है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करता है। इसे देखने के लिए अगर मैं एक और एग्जांपल हूँ, साइज ऑफ मैट 2 फाइंड करूँ मैं, तो ये 3 बाय 2 है, यानी कि क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अगर मैं एक वेक्टर की डायमेंशन फाइंड करना चाहूँ, हमने वेक्टर यूज किया था कॉल ए, तो क्योंकि उसमें 3 रोज थी और 1 कॉलम था, क्योंकि वो कॉलम इतने मैंने पहले ही बताया था कि आप एक मैट्रिक्स को वेक्टर्स के तौर पर भी कर सकते हो। अगर आप कॉलम को या नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स को स्पेसिफाई कर दो 1, अगर मैं इसमें 1 जो कॉलम वेक्टर है वो एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, इसे ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्डर भी जो है, डायमेंशन भी जो है वो 3 3 × 1 आई है। इसके अलावा जो एक और कमांड है वो है लेंथ की कमांड। लेंथ की कमांड बेसिकली यूज वेक्टर्स के लिए होती है, और किससे यूज होती है, ये एक वेक्टर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने के लिए यूज होती है। हम इसको इसका डिटेल एक तरह से देख लेते हैं, जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। तो अगर आप देखें तो ये है लेंथ ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर्स के लिए नॉर्मली यूज होती है। अगर मैं यहाँ लिखूँ लेंथ ऑफ COLA ही करूँ मैं अगर, तो देखें कॉल ए वेक्टर में 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसने हमें बता दिए। अगर मैं करूँ लेंथ ऑफ ए, जो कि एक रो वेक्टर था हमारा, उसमें भी 3 एलिमेंट्स थे, इसने वो हमें बता दिए। अगर आप देख सकें तो ये 1 2 3 एलिमेंट्स थे ए में। अब ये तो था कि मैंने वेक्टर को एज इनपुट दिया था। अगर मैं लेंथ के अंदर पैरामीटर जो है उसमें मैट्रिक्स को इनपुट देता हूँ तो क्या होगा, हमने कहा था कि वेक्टर की लेंथ बताता है, वेक्टर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है, तो मैट्रिक्स के केस में क्या करेगा, ये कोई एरर शो नहीं करेगा, इसके बजाय ये फर्स्ट कॉलम लेकर उसके एलिमेंट बता देगा, या इन अदर वर्ड्स ये नंबर ऑफ रोज बता देगा हमें। अगर मैं यहाँ करूँ लेंथ ऑफ मैट 2, तो हमारा आंसर आएगा 3, जो कि नंबर ऑफ रोज नहीं है, या ये समझ लें कि नंबर फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, तो ये इसको इस तरह करते कोई एरर नहीं करता।